तो ये देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले सवाल को देखोगे कि एक बॉल है जिसका मास 0.1 kg सस्टेंडेड बाय द स्ट्रिंग, इट इज डिस्प्लेस थ्रू एंगल 60 डिग्री, मतलब वर्टिकल से 60 डिग्री अगर डिस्प्लेस करोगे, तो ये वर्टिकल वाली लाइन है और इस वर्टिकल वाली लाइन से मैं बॉब को, ये पहले बॉब यहाँ था, ये पूरा सिस्टम यहाँ था और ये थीटा डिग्री हमने डिस्प्लेस कर दिया, थीटा की वैल्यू यहाँ 60 है, ये एंगल 60 है, तो दोबारा मैं यहाँ यू इज इक्वल टू जीरो रेस्ट से छोड़ूंगा, समझ रहे ना, तो जब बॉल यहाँ आएगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में भी, तो ये स्ट्रिंग से अटैच है, समझ रहे हो, तो स्ट्रिंग से अटैच है तो इसी पॉइंट पर टेंशन निकालना, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट पर अगर फोर्स देखोगे तो कौन कौन से फोर्स इस पे लग रहे हैं, तो सबसे पहले इस पे स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग से अटैच है उसमें टेंशन टी लगेगा और वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, यही मिलके इसको वर्टिकल इसको सर्कुलर पाथ में ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पर ये पॉइंट मानना, पॉइंट पॉइंट है, स्पीयर नहीं कंसिडर करना, पॉइंट मास, तो ऑब्वियसली सेंट्रीमीटर का जो इक्वेशन है वो ये बनेगा, यहाँ पे बी पॉइंट पे टेंशन माइनस एम जी, यहाँ पे सेंट्रीमीटर फोर्स देगा एम बी स्क्वायर ओवर स्ट्रिंग की लेंथ एल, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन तब तक नहीं सॉल्व होगा जब तक वेलोसिटी यहाँ पे नहीं निकलेगी, तो अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी भी निकालता हूँ तभी जाके मेरा बात बनेगा, तो अगर मैं वेलोसिटी भी यहाँ कैलकुलेट करूँ तो मैं एनर्जी कंजर्व करा देता हूँ, इस टॉप लाइन यहाँ पर, इस लाइन पे मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेता हूँ और फिर ये एयर हाइट पर गया है यहाँ पे, तो ये हाइट मुझे निकालनी पड़ेगी, तब देखना पड़ेगा कि मैकेनिकल एनर्जी ए और बी पे सेम है, ये 60 डिग्री है, ये एल है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, आई होप कि आपको पता होगा ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, एल कॉस 60, एल कॉस 60 लगा दिए इस वाले ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बन रहा था, ये 90 था और ये यहाँ से ये था, ये एल कॉस 60, तो ये वाली, ये पूरी की पूरी एल थी, ये पूरी की लेंथ, ये पूरी लेंथ कितनी थी, एल थी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एल थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, तो इस वाले लेंथ की वैल्यू आ जाएगी एल माइनस एल कॉस 60, मतलब आ जाएगा एल 1 माइनस कॉस 60, दैट इज हाइट एच, इतना ऊपर गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना है, तो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी, तो मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पर तुम देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच और काइनेटिक जीरो, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर, तो यह जाएगा एम जी एच की वैल्यू एल 1 माइनस कॉस 60 और यह जाएगा हाफ एम बी का स्क्वायर, तो एम ने एम यहाँ से कट गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 GL 1 माइनस कॉस 60, ठीक है, 1 माइनस कॉस 60 क्या होता है, 2 GL 1 माइनस कॉस 60 sin 31/2, तो एक में से आधा घटाओगे तो ये आ जाएगा GL, मतलब भी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी GL। अब इसको मैं टेंशन वाले इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन ये था टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर एल था, तो यहाँ से एम एल कॉमन ले लिए और यहाँ से भी GL, तो यहाँ से टी माइनस एम जी की वैल्यू, एल ने एल को कट दिया, तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 2 mg, इस पॉइंट पर टेंशन स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा होता है और वो 2 mg के बराबर होगा। अब 2 mg वैल्यू रख दो भाई, अगर यहाँ से वैल्यू रखोगे तो देखो कितना आता है और ये मैच करो तो 2, और मास की वैल्यू दिया होता है, 2 मास कितना था, 0.1 kg और जी की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, तो पॉइंट ने पॉइंट को ख़त्म कर दिए तो 2 न्यूटन आ जाएगा, और 9.8 रखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.96 न्यूटन यहाँ से ये दिया हुआ है, तो 9.8 रखेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा 1.96, मतलब अपना बी ऑप्शन सही मैच कर जाता है, ठीक है ना, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।